बदमाशों के साथ गाजियाबाद पुलिस की मुठभेड़। आपको बता दें, थाना मसूरी क्षेत्र में क्रेटा कार की लूट की थी। मसूरी के नाहर में हुई मुठभेड़, कब्जे से लूटी गई कार बरामद। रात्रि थाना मसूरी क्षेत्र के शिवम नामक व्यक्ति को गोली मारकर उसकी क्रेटा गाड़ी लूट ली थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा घटना के त्वरित एवं सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक नगर प्रथम और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण क्षेत्र में टीम का गठन किया गया। आज रात्रि में सूचना द्वारा प्राप्त हुई कि जो क्रेटा कल लूटी गई थी, वह गाड़ी और उसके अपराधी नहाल झाल चौकी क्षेत्र में देखे गए हैं। इस सूचना पर घेराबंदी की गई तो दोनों बदमाश क्रेटा गाड़ी छोड़कर भागने लगे और पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिसमें एक अपराधी मेहताब के पैर में गोली लगी तो उसका दूसरा साथी तुषार भागने में के क्रम में पुलिस टीम द्वारा पकड़ा गया। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया। इसी प्रकार गाजियाबाद पुलिस द्वारा दो बदमाशों को गिरफ्तार कर 20 घंटे के अंदर घटना का सफल अनावरण किया गया तथा लूटी गई क्रेटा बरामद कर ली है। विस्तृत पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों के मेहताब पुत्र सलीम उम्र 22 वर्ष निवासी रफीक नगर थाना कोतवाली सिटी हापुड़ व तुषार पुत्र रामफल उम्र 22 निवासी रफीक नगर थाना कोतवाली सिटी हापुड़ है। गिरफ्तारी करने वाली टीम को SSP द्वारा 25,000 का इनाम देने की घोषणा की गई है। शातिर अभियुक्त गणों को पकड़ने वाली टीम में थाना मसूरी प्रभारी निरीक्षक राघवेंद्र सिंह, उप निरीक्षक जसवंत सिंह, लोकेश कुमार, अमित कुमार मलिक, कांस्टेबल नरेंद्र पाल, कांस्टेबल अरविंद चौधरी, संजय गिरी एवं SP ग्रामीण टीम के उप निरीक्षक नरेंद्र कुमार, सिपाही विपिन कुमार व सिपाही विकास कुमार भी मौजूद रहे। दिनांक 6/7 की रात में थाना मसूरी क्षेत्र में शिवम अवस्थी नामक व्यक्ति से एक क्रेटा गाड़ी लूटने की एक घटना सामने आई थी, जिसमें उसको गोली मार दी गई थी। उसी घटना के अनावरण के लिए SSP सर के निर्देशन में कई टीमें द्वारा इसमें कार्रवाई करी जा रही थी, जिसमें एडिशनल SP देहात के नेतृत्व में एक टीम द्वारा सफलता प्राप्त की गई है। जब मुखबिरों से सूचना प्राप्त हुई कि जो घटना करने वाले जो दो व्यक्ति हैं वो इसी थाना क्षेत्र में फरार घूम रहे हैं, उसी के अंतर्गत जब ये पता चला कि दोनों व्यक्ति इस थाना क्षेत्र में, तो पुलिस द्वारा चेकिंग लगाई गई और चेकिंग में पाया गया कि ये क्रेटा गाड़ी जिसको कल इन दो व्यक्ति, जिनका नाम एक का नाम मेहताज और एक का नाम तुषार के रूप में सामने आया, ये दोनों इसी थाना क्षेत्र में फरार घूम रहे थे। पुलिस द्वारा चेकिंग में इनको जब रोकने का प्रयास किया गया तो इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग करी गई और आत्मरक्षा हेतु पुलिस बल द्वारा भी इनके ऊपर फायरिंग करी गई, जिसमें एक अपराधी को पैर में गोली लगी है और जो दूसरा अपराधी तुषार है, वो दोनों अपराधी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही साथ इसमें जो घटना में गाड़ी जिन्होंने लूटी थी, वो गाड़ी क्रेटा भी बरामद कर ली गई है और जो घायल अपराधी उसको प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल रवाना कर दिया गया है और आगे की जो विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा जारी है। कोई भी पुलिसकर्मी इसमें घायल नहीं है, सभी पुलिसकर्मी सुरक्षित हैं और आगे की जो कार्रवाई अभी पुलिस द्वारा जारी है, पूछताछ आगे करी जाएगी। घायल बदमाश कौन है? तुषार। जो घायल बदमाश है उसका नाम मेहताज है और तुषार जो है, ये दोनों जो अपराधी थे इसमें गिरफ्तार कर लिए गए। गाजियाबाद से कैमरामैन के साथ तरीकत चौधरी की रिपोर्ट।